नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। सो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे 1 अक्टूबर 2024 यानी कि 1-10-2024 के करंट अफेयर। सो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए हर एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको पता है कि UGC नेट, SAT टीचिंग एग्जाम, डिफेंस, SSC, बैंक, रेलवे, ऑल स्टेट एंड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए करंट अफेयर जरूरी है, क्योंकि इसमें देखिए हम बैंकिंग, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड, डिफेंस, इंटरनेशनल साइंस टेक सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं, जो आपकी आपके हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। देखिए ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हिंदी मीडियम, ठीक है। पहले हम देखें यहाँ पे इसके डिटेल में करंट अफेयर कवर करेंगे, उसके बाद देखिए फिर हम इसके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसके वन लाइनर कवर करेंगे। तो शायद ही यूट्यूब पर आपको कोई ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें आपको तीन तरह के करंट अफेयर मिलेंगे, डिटेल में भी, वन लाइनर भी और साथ में MCQs भी। तो हम आपको ये तीनों करंट अफेयर आपको यहाँ पे अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए ये इंग्लिश में भी है, लेकिन मैं देखिए हिंदी ही कवर करूँगा इसके अंदर। अगर इंग्लिश की डिमांड होगी तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो इंग्लिश में भी आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम डिटेल में करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहली न्यूज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आपको नाम याद करना है अच्छे से, शिगेरु इशिबा, ये कौन है? जापान के संभावित नए प्रधानमंत्री बनने की ओर कदम। देखिए ये अभी प्रधानमंत्री बनने नहीं है जापान के, लेकिन कदम है ये बनने जा रहे हैं। इनका नाम क्या है? शिगेरु इशिबा। शिगेरु इशिबा जो जापान के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, को देश की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि जो LDP एक पार्टी है, वहाँ पर उनका नेता चुना गया है शिगेरु इशिबा को। जापान में पार्टी का नेता बनना लगभग प्रधानमंत्री बनने के बराबर माना जाता है, क्योंकि LDP के पास संसद में बहुमत है। अब देखिए जो LDP पार्टी है जापान में, उनके पास जो संसद है, पार्लियामेंट है, उनके पास बहुमत है, तो वो अपने दल का नेता शिगेरु इशिबा को चुन रहे हैं। अगर वो इसके नेता बन गए तो उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। इशिबा अगले सप्ताह जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। देखिए वर्तमान में कौन है? फुमियो किशिदा। अब नए कौन बनेंगे? शिगेरु इशिबा। ये कौन है? ये देखिए जापान के पहले रक्षा मंत्री रह चुके हैं। किस पार्टी के नेता है? LDP यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो देखिए नेक्स्ट है, ताशकंद में भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ताशकंद कहाँ पे है और ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री के साथ एक जुड़ा हुआ है? ठीक है, ये देखिए मामला एक जुड़ा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री के साथ, तो ताशकंद में वो इंसिडेंट या एक्सीडेंट आप कह लीजिए कि जुड़ा है, तो वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ ताशकंद मामला जुड़ा हुआ है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो देखिए खबर ये है कि ताशकंद में भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 27 सितंबर 2024 को ताशकंद में एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि दोनों देशों के बीच निवेश की रक्षा सुरक्षा के लिए एक कानूनी रूपरेखा प्रदान करती है। अब देखिए ये संधि की गई है, वो क्यों की गई है? क्योंकि यहाँ पे जो निवेश किया गया है वो रक्षा और सुरक्षा के लिए है। एक देखिए संधि साइन की गई है क्यों? रक्षा और सुरक्षा के लिए। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, देखिए इंडिया की तरफ से कौन है? जो फाइनेंस मिनिस्टर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, और उज्बेकिस्तान के यहाँ पे उप प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है, उनके बीच में हुई है। खोद याएव जमशेद अब दुखा किमोविच ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया। आप सीधे याद रखिए कि भारत के वित्त मंत्री और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने यहाँ पे हस्ताक्षर किए संधि के ऊपर। कब किए? 27 सितंबर 2024 को। सो देखिए नेक्स्ट है, विश्व शाकाहारी दिवस 2024। अब देखिए दुनिया में तीन तरह की कैटेगरी है। एक होती है शाकाहारी, को होती है मांसाहारी, को होती है सर्वाहारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो शाकाहारी है, जो सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाते हैं, मांस मछली वगैरह नहीं खाते, तो उनका दिवस है विश्व शाकाहारी दिवस। हर साल 1 नवंबर को शाकाहार को बढ़ावा देने और पशुओं के शोषण और क्रूरता के विरोध के लिए मनाया जाता है। शाकाहार को अपनाने वाले लोग भोजन, कपड़े और अन्य उद्देश्यों के लिए पशु उत्पादों से परहेज करते हैं।
इस दिवस पर शाकाहारी जीवन शैली के नैतिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लाभों पर जोर दिया जाता है। शाकाहारी आहार का पालन करने के कई कारण हैं, जिनमें नैतिक चिंताएं, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सुधार शामिल है। पशु कृषि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि 1 नवंबर को शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, तो अभी 1 नवंबर आने वाला है तो शाकाहारी दिवस यहाँ पे मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि शाकाहार को बढ़ावा देना है ना, इससे क्या है, देखिए जो पशुओं के प्रति जो क्रूरता है उसको कम किया जा सके। आप देखते हैं कि पशुओं के प्रति बहुत क्रूरता आती है ना, हर जगह न्यूज आप देखते होंगे, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे ये दिवस मनाया जाता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी बन सके। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड वेगन डे, यानी कि हिंदी में कहते हैं विश्व शाकाहारी दिवस। गडकरी ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी कि जिसे अमृत महोत्सव पार्क कहते हैं उसका उद्घाटन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको न्यूज क्या करनी है कि जो एक ऑक्सीजन बर्ड पार्क है जिसे अमृत महोत्सव पार्क कहा जाता है उसका उद्घाटन कौन करेंगे? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। कहाँ पे करेंगे? महाराष्ट्र के नागपुर में। और ये कहाँ पे है? नागपुर हैदराबाद जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है 44 पर जो एक ऑक्सीजन बर्ड पार्क बनी है उसका उद्घाटन करेंगे। यह पार्क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा विकसित किया गया है और इसका कुल क्षेत्र 8.23 हेक्टेयर है, जिसमें से 2.5 हेक्टेयर सामाजिक वानिकी के लिए समर्पित है। अब देखिए NHAI होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो देश की सड़कें बनाती हैं, तो इन्होंने ही इसका निर्माण किया है इस पार्क का, तो इसलिए जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी वो इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके 99% चांस आ सकता है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 2024। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हर साल 1 अक्टूबर को, आज देखिए आज 1 अक्टूबर है जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आज है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, तो आप सभी को हैप्पी नेशनल कॉफी डे। ठीक है, इंटरनेशनल कॉफी डे। तो आप देखिए आपने देखा होगा कि अभी हर एक तरह के दिवस मनाए जा रहे हैं, अभी तो इंटरनेशनल कॉफी दिवस भी आ गया है ना, कॉफी डे भी आ गया, तो उससे पहले भी बहुत सारे दिवस आ चुके हैं है ना। आपको सारे याद करने जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी आप एग्जाम देने जाएं उस दिन देखिए कि खास दिवस तो नहीं है या उससे एक दिन पहले तो नहीं था, तो आप इसे जरूर याद करके जाए। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हर साल 1 अक्टूबर को उन सभी लोगों के प्रयासों को पहचानने और कॉफी पेय को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो कॉफी व्यवसाय से जुड़े हैं। इस दिन का उद्देश्य खेत से दुकान तक कॉफी लाने वाले किसानों और श्रमिकों की कड़ी मेहनत और योगदान को सम्मानित करना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 2015 में इटली के मिलान में आयोजित किया गया था। इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य कॉफी किसानों का समर्थन करना है। देखिए जो कॉफी के इस उगाते हैं किसान, उसको सम्मानित करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए ये कॉफी दिवस मनाया जाता है। देखिए किसान तो किसान है, वो हर एक चीज को उगाते हैं, ऐसे तो आप सारी ही चीजों के लिए दिवस बना सकते हैं है ना, तो ये चीज है। देखिए नेक्स्ट खबर है, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ग्लोबी संचालन समिति में भारत को चुना गया। अब देखिए गुरुवार 26 सितंबर 2024 को बीजिंग में आयोजित एक बहुस्तरीय मतदान प्रक्रिया के बाद भारत को 15 सदस्यीय ग्लोबल संचालन समिति में चुना गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने बताया कि इस समिति के सदस्य के रूप में भारत भ्रष्टाचार और संपत्ति वसूली के खिलाफ वैश्विक एजेंडे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत की भ्रष्टाचार से निपटने की विशेषज्ञता और अनुभव ग्लोबल नेटवर्क के लिए एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में काम आएगा। देखिए सिंपल सी बात, आपको देखना है कि ग्लोबल लेवल के रूप में या ग्लोबल संचालन समिति में भारत को चुना गया है। कहाँ चुना गया है? यहाँ पे चाइना में चुना गया है। ठीक है, चाइना में देखिए यहाँ पे बहुत स्तरीय प्रक्रिया है बीजिंग में। ठीक है, तो वहाँ पे 15 स्तरीय संचालन समिति हुई, वहाँ पे भारत को चुना गया।
कि ताकि भारत भ्रष्टाचार और संपत्ति वसूली के खिलाफ जो है वैश्विक एजेंडे में भूमिका निभा सके। सो नेक्स्ट खबर है, देखें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। अब देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस भी है, ठीक है, जो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, उनका दिवस भी है आज। आज क्या है, कॉफी दिवस भी है आज, वृद्ध जन दिवस भी है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो बुजुर्गों के अमूल्य योगदान को पहचानने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1990 में इसे स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानित करना और उनकी सामाजिक भूमिका को समझना है। 2024 में यह दिवस मंगलवार को मनाया जाएगा। देखिए आज मंगलवार है, आज 1 अक्टूबर है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। तो देखिए 1990 में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका उद्देश्य है बुजुर्गों को सम्मानित करना और सामाजिक भूमिका। आप देखें हमारे जो देश, हमारा जो संसार है, उसके अंदर हमारे बुजुर्गों की बहुत सारी जो भूमिका है। आप देखें जो बुजुर्ग कौन है, आपके माता पिता, आपके दादा परदादा, जो भी है ना, जो भी बड़े हैं आपसे, है ना, मैं नहीं कहता कि आपसे 5 साल बड़े तो बुजुर्ग है, ऐसा नहीं है। जो 60 साल के ऊपर है, 55 साल के ऊपर है, बुजुर्ग हैं, उनका देखिए हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे सलाह मशवरा करते हैं, तो वो आपको सही सलाह देते हैं, क्योंकि वो आपकी उम्र से गुजर चुके हैं, है ना। इसलिए कहते हैं ना कि किसी सयाने बंदे से सलाह लो, तो वही है कि बुजुर्गों का सम्मानित करना और उनकी भूमिका को समझना, ठीक है। तो ये देखिए 1990 में इसे स्थापित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे स्थापित किया गया। तो आपको ये याद करने की जरूरत है, आपको सिंपल ये रखना है कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। सो नेक्स्ट खबरें देखें यहाँ पे, अमेजन इंडिया ने NCL पोर्टल के माध्यम से नौकरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु श्रम मंत्रालय के साथ साझेदारी की। अब देखिए जो अमेजन इंडिया है, यानी कि जो अमेजन का जो भारतीय ब्रांच है, उसने नेशनल करियर सर्विस यानी कि NCS पोर्टल का लाभ उठाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU, जिसे MOU पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। इस साझेदारी का उद्देश्य नौकरी चाहने वालों को उनके कौशल और योग्यता से मेल खाने वाले करियर अवसरों से जोड़ना है। इससे अमेजन इंडिया और उनकी स्टाफिंग एजेंसियों को NCF पोर्टल पर अपने नौकरी के अवसर पोस्ट करने और देश भर से योग्य उम्मीदवारों को खोजने में मदद मिलेगी। देखिए यहाँ पे अमेजन इंडिया ने एक अच्छी पहल की है, नेशनल करियर सर्विस के साथ, पोर्टल के साथ इन्होंने आपस में एक समझौता किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि अगर कोई भी नौजवान नौकरी चाहता है, उसके पास जो भी योग्यता कौशल है, वो अपने इस साइट पे या इस पोर्टल पे पोस्ट कर दे, उसके बाद देखिए उसको नौकरी सुझाई जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको नौकरी चाहिए, आपके पास योग्यता है, आपका जो भी सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे पोस्ट कर देने हैं, उसके अकॉर्डिंग देखिए जो भी उससे संबंधित मेल खाती हुई नौकरियां होंगी वो आपको दिखाई देंगी, तो आप आसानी से उसमें अपनी नौकरी चूज कर सकते हैं और उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए वैसे आप नौकरी देखेंगे आपको कहीं नहीं मिलेगी ऐसे तो, लेकिन जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसे आसानी से यहाँ पे मैच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कंपनी को भी फायदा हो जाएगा और आपको भी नौकरी मिल जाएगी। सो देखिए यहाँ पे डिटेल वाले करंट अफेयर तो खत्म हो गए, लेकिन अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे MCQs, इसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे वेलेंडर। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व हृदय दिवस का विषय क्या है। तो देखिए इसका विषय है यूज हार्ट फॉर एक्शन, ठीक है। देखिए 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस हर साल हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन हृदय रोग, दिल का दौरा, स्ट्रोक और हृदय विफलता से बचाव के लिए जीवन शैली में सुधार पर जोर देता है। हृदय रोग हर साल 17 मिलियन से अधिक मौतों का कारण है, जिससे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन आवश्यक है। 2024 की थीम हृदय का उपयोग करें, हृदय को जानें। तो देखिए 2024 का क्या है स्लोगन क्या है, हृदय का उपयोग करें और हृदय को जानें, यानी कि यूज हार्ट फॉर एक्शन। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट प्रश्न, किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत कंटेंट
हब और डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है, वो है पर्यटन मंत्रालय। आप यहाँ पे इसका लोगो देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस पर नए अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल पर अतुल्य भारत कंटेंट हब का शुभारंभ किया। यह हब उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें, फिल्में, ब्रोशर और समाचार पत्रों का एक समृद्ध संग्रह प्रदान करता है, जिससे उपयोग टूर ऑपरेटर, पत्रकार, छात्र, शोधकर्ता और फिल्म निर्माता कर सकते हैं। देखिए, एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है यहाँ पे पर्यटन मंत्रालय द्वारा, जिसमें देखिए बहुत ज़्यादा HD क्वालिटी की तस्वीरें हैं, फिल्में हैं, ब्रोशर है, जिसका उपयोग जो है टूर ऑपरेटर कर सकते हैं, जैसे जो टूरिज्म संभालते हैं, है ना, वो कर सकते हैं, पत्रकार, छात्र, शोधकर्ता, कोई भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, 2024 के यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में अत्याधुनिक बिजली समाधानों के प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, वो है THDC इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, यहाँ पे यूपी में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो हुआ, जिसमें बिजली समाधानों के प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार दिया गया, वो है THDC इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सो देखिए, नेक्स्ट है, आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, वो है शाहरुख खान ने, ठीक है। 28 सितंबर को देखिए आईफा अवार्ड नाइट में जवान फिल्म में अपने शानदार अभिनय के लिए इनको पुरस्कार मिला है, ठीक है। देखिए, जवान मूवी के लिए इनको यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आईफा 2024 में। तो देखिए, नेक्स्ट है, आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का पुरस्कार किसने जीता। अब देखिए, तेलुगु फिल्मों के लिए जो कि आंध्र प्रदेश में बनती हैं, तो उसका पुरस्कार किसने जीता, नानी ने, एक्टर है नानी, उनकी मूवी आई थी दशहरा, उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला आईफा में, ठीक है। हिंदी में किसे मिला, शाहरुख खान को, और तेलुगु में किसे मिला, नानी को। सो नेक्स्ट देखिए है, 28 सितंबर 2024 को किस कंपनी ने बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में आई समस्याओं के कारण ISS में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को वापस बुलाने के लिए मिशन लॉन्च किया गया था। अब देखिए, 28 सितंबर 2024 को वो कौन सी कंपनी है आपको बतानी है, वो आपको सिलेक्ट करनी है, बोइंग के स्टार लाइनर। आपको बताया कि देखिए स्टार लाइनर में कुछ यहाँ पे देखिए जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए कौन सा मिशन है, ठीक है, वो किसने लॉन्च किया, कौन सी बोइंग कंपनी है, वो है स्पेस एक्स ने। देखिए, 28 सितंबर 2024 को नासा ने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर फंसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 2 सीटें खाली हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो रॉकेट ने केप कैनावेरल फ्लोरिडा से दोपहर 1:17 पर उड़ान भरी, ठीक है। इस उड़ान में देखिए नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव शामिल थे। अब देखिए, यहाँ पे सिंपल से आपको ये देखनी है कि जो 28 सितंबर 2024 को किस कंपनी ने बोइंग को स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के रूप में जो समस्या के कारण जो है फंसे यात्रियों को निकलवाने के लिए मिशन लॉन्च किया है, वो है स्पेस एक्स ने। आपको बताना है कि स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। जापान में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता। देखिए, जापान में एक विश्व एथलेटिक और कॉन्टिनेंटल टूर हो रहा है, जिसमें पुरुषों की दौड़ हुई है 5000 मीटर की, तो भारत के किस बंदे ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, वो है गुलवीर सिंह, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है, भारत ने महिला अंतरिक्ष नेतृत्व कार्यक्रम यानी कि WISLP को लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है, वो है ब्रिटेन ने, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे MCQs भी खत्म है, तो यहाँ पे हम करते हैं वन लाइनर। सो देखिए, विश्व हृदय दिवस का विषय क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना उसमें MCQs में, वह है यूज हार्ट फॉर एक्शन। किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत कंटेंट हब और डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, वो है पर्यटन मंत्रालय ने। 2024 के यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में अत्याधुनिक बिजली समाधानों के प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, वो है THDC इंडिया लिमिटेड को।
आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? शाहरुख खान ने। और आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु में पुरस्कार किसने जीता? नानी ने। सो देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे वालन का, 28 सितंबर 2024 को किस कंपनी ने बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में आई समस्याओं के कारण ISS में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए मिशन लॉन्च किया? वो है SpaceX ने। जापान में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? वो है गुलवीर सिंह ने। भारत ने महिला अंतरिक्ष नेतृत्व कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ साझेदार की है? वो है ब्रिटेन के साथ। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के उत्तराधिकारी के रूप में किसे शपथ दिलाएगी? वो है न्यायमूर्ति मनमोहन को। तो अगला प्रश्न है, लास्ट है ये प्रश्न, भारतीय वायुसेना की 92 वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित वायु वीरता विजेता कार रैली 7000 किलोमीटर की कुल दूरी तय करते हुए किन दो स्थानों के बीच आयोजित की जाएगी? वो है थोइस से तवांग तक। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पूरे कर लिए, अभी हमने करंट अफेयर डिटेल में भी MCQs भी और यहाँ पे वन लाइनर भी, तो आपको तीनों तरह के करंट अफेयर इस वीडियो में कवर हो गए हैं। YouTube पे आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो आपको तीनों तरह के करंट अफेयर कवर करवाएगा, लेकिन हम आपको कवर करवाएंगे। इसके बाद देखिए हम आपको वीकली करंट अफेयर भी कवर करवाएंगे, उसके बाद देखिए फिर हम आपको मंथली और ईयरली करंट अफेयर भी कवर करवाएंगे। तो इंग्लिश में भी करंट अफेयर हमारे आएंगे, तो जैसे जैसे इसकी डिमांड इंग्लिश की आएगी हम इंग्लिश में भी बनाएंगे। फिलहाल आप हिंदी में कवर करिए। तो जो जो आपको मैंने बताया है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आप मेरे को लिख के बताइए। तो डेली देखिए मंडे सैटरडे हमारी वीडियो आती है डेली करंट अफेयर की, और हर संडे हमारी वीडियो आती है वीकली करंट अफेयर की। सो देखना मत भूलिए, अभी ज्वाइन करिए स्टडी भारत, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए कि ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो टेक केयर, जय हिंद जय भारत।